जल भरने गए कांवरियों में से राप्ती नदी में डूबकर दो कांवरियों की मौत। बहराइच जिले से एक बुरी खबर आ रही है। बहराइच जिले के थाना क्षेत्र नवाबगंज के सुभाष निवासी हरिहरपुर तथा पंकज निवासी नंदागांव थाना नवाबगंज से लक्ष्मणपुर लसोरवा के पास राप्ती नदी से जल भरने के लिए गए हुए थे। वहां बालू पर खनन से जेसीबी के बड़े बड़े गड्ढे होने से उसी में पैर फिसलने से गिर गए और अधिक पानी होने की वजह से डूब गए। साथ ही कंवरियों ने तत्काल एम्बुलेंस 108 मलहीपुर को सूचना दिया, जिसे तुरंत एम्बुलेंस द्वारा सुभाष चंद्र पंकज को सीएचसी मलहीपुर लाया गया, जहां डॉक्टर ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया और हालत गंभीर होने पर पंकज को जिला चिकित्सालय बहराइच इलाज के लिए भेज दिया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर नवाबगंज पुलिस फोर्स के साथ थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में पहुंची। घटना के अनुसार सोमवार को नवाबगंज स्थित मंगलीनाथ मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए दोनों कांवरिये युवक एक साथ जल भरने के लिए सुबह राप्ती नदी में गए थे, जिसमें अवैध खनन से बने गड्ढे में अचानक पैर फिसलने से दोनों नदी में जा गिरे। अचानक हुए इस हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। मौके पर नवाबगंज पुलिस व सीओ नानपारा बीपी सिंह भी पहुंच गए। वहीं साथ ही कांवरियों के अनुसार दोनों युवकों को डूबे लगभग 3 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से ना तो कोई गोताखोर उपलब्ध कराए गए और ना ही नाव की व्यवस्था की जा सकी। ग्रामीणों की सहायता से नवाबगंज क्षेत्र के कहारनपुरवा से गोताखोर मछुआरों को बुलाया गया, तब जाकर दोनों युवकों को बाहर निकाला जा सका, जिससे मौके पर मौजूद कांवरियों में प्रशासन की व्यवस्था को लेकर काफी आक्रोश दिखा। जल भरने गए कांवरिये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रिंकू सिंह व अजय यादव, संतोष, विमल सहित तमाम लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। घटना से आक्रोशित कांवरियों ने जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जी, मेरा नाम अजय यादव है। कहाँ रहते हो? मैं बनकसई रहता हूँ। ये क्या मामला? मामला यही है, ये जहाँ पे हमेशा जो है कांवरियाँ घाट पे पानी भरने के लिए आते थे जल, वहाँ से यहाँ पे यही जो है बालू खनन हुआ, जिस कारण से कम इसकी गहराई 50 से 70 फीट नीचे हो गई है। हाँ, जेसीबी मशीन के जरिए समझ लीजिए, जो जिसने भी ये बालू का खनन कराया, इस कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई है, इस कारण से वो लोग डूब गए। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी प्रशासन था ही नहीं, कोई भी व्यवस्था किया नहीं गया, इस कारण से कांवरियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दो कांवरियों की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? नवाबगंज थाना क्षेत्र में नदी से लोग आज जल ले रहे थे और उनको मंगलीनाथ जलाभिषेक के लिए जाना था। वहाँ गोताखोरों की वहाँ नाव की व्यवस्था थी, गोताखोर भी थे, पुलिस की भी व्यवस्था थी, लेकिन निर्धारित स्थान पर जल न लेकर वो कहीं बगल से जल लेने लगे, जिसमें से दो युवक, जिसमें से एक शावस्ती का रहने वाला है और एक नवाबगंज क्षेत्र का रहने वाला है, दो युवकों की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। गोताखोरों को और मालिकों को लगाया गया, दोनों डेड बॉडी बरामद हो गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।